अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या कहा? बिल नहीं दिया तो कनेक्शन काट दोगे? ये क्या बात हुई? ये कोई मतलब हुआ कि बिल नहीं दिया तो कनेक्शन काट दोगे? ओ भाई, कल धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं जाके उसके कपड़े फाड़ दूं? नहीं, तू बदमाशी किसके साथ कर रहे हैं? और रोज बड़े फोन आते हैं मुझे, बड़े कनेक्शन कटाए मैंने। नहीं, बोलती बंद क्यों होगी तेरी? टूटू क्या कर रहा है? ओ बंद हो गया। बिलाल साहब, हर बंदा पैसे का भूखा है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए, अंग्रेज लोग अपने मुल्क के बारे में कितना सोचते हैं कि न्यूटन बैठा था, ऊपर से सेब गिरा तो उसने अंदाजा लगा लिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर भी एक सेब गिरा था, दो लोग लड़ लड़ के मर गए थे कि पहले खाएगा कौन। इब्रार साहब, देखिए चाइना वाले लोग अपने मुल्क के बारे में कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं शक्लें यूं हो गई हैं। और तो और, हर चीज का डुप्लीकेट उन्होंने बना लिया है। अब पिछले दिन मुझे पीरो मुर्शिद बता रहा था, फोर्थ मॉर्निंग के हैं, बता रहा था कि तैयब बुखारी भी उन्होंने दो स्पीकर वाला बना लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो हमारे पास है वो 8 स्पीकर वाला है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, चैप वाले वहीं के वहीं हैं। लेकिन बिलाल साहब, इसमें हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि काम दुनिया दे नहीं मुकते, बंदा आप मुक जाता ते सर्दी गर्मी लंघ जाती है पर यादा दे मौसम नहीं मुकते। तो बिलाल साहब, असा चंद ते की जाना? इब्राहिम साहब, असा चंद ते की जाना? साढ़े रिपीट वाले सब्जेक्ट ही नहीं मुकते। खैर छोड़े सब बातों को, ये मेरा नौकर किधर गया है? ओ नोनी, ओ कितने मार गए हैं? आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या मामला है? बस वैसे ही कुछ गुनगुनाने का दिल कर रहा था, मैंने कहा कोई 2-4 बोली सुना दूं। आप भी तो किसी दौर में बहुत गाते थे साहब जी, कोई एक दो बोल हो जाए ना, एक दो। नहीं यार, चैप में आने से पहले करते थे थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, एक एक। चल तुझे राग सुनाता हूँ। चल सुना। साहब जी, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ। अपने मोहल्ले में जो चोरी हुई है ना, हाँ। उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक, और कह रही है कि जिनका जो जो सामान चोरी हुआ है उन सबको हम सारा वापस दिलाएंगे। हैं? चल यू करते हैं ना कि मैं उन्हें कहूंगा हमारे घर में बड़ी बड़ी चोरियां हो गई हैं, तो तू यू कर, मैं भी कह दूंगा पर्स से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। 10 लाख? और अपने मोहल्ले में जो बैंक है उसमें सारा 1500 रुपया बड़ा हुआ है। बंदे इब्रार साहब, इनके पर्स की हालत प्याज की तरह है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं। मेरे पास की हालत प्याज जैसी है, और तेरी तो जेब ही नहीं है, कहीं 4 यार दोस्त समोसे खाने जाए ना, तू तो झूठ मूठ में भी नहीं कह सकता लो यार आज पैसे मैं देता हूँ। मेरी जेब नहीं है, अपना पता है। अगले दिन इनके घर फकीर आया, कहता खुदा के नाम पे कुछ दे दो। तो मैंने कहा साहब घर में नहीं है, बाद में आ जाना। कहता इसलिए तो आया हूँ, अगर साहब हो तो वो खुद मुझसे मांग लेते हैं। सारी जिंदगी के भूखे कभी किसी को खाते हुए ना देख सकना। अगर कोई बंदा खा रहा हो ना, इतनी गंदी नजर से देखता है कि खाने वाले का खाना खराब हो जाता है। अच्छा, हाँ? मैं खाना खराब कर देता हूँ? अपना पता है, इनके मोहल्ले में कोई बैंड बाजे वाला नहीं आता, कहता हम बाजा हम बजाते हैं, पैसे ये उठा के भाग जाता है। इब्रार साहब, मैं समझता था कि मेरे घर के जो पर्दे हैं ना वो धूप की वजह से फेड हो रहे हैं, और बाद में मुझे पता चला कि ये पानी में डबो डबो कर चूसता है। अच्छा, मैं पर्दे चूसता हूँ? अपना पता है, दूसरों के घर से सांप निकलना वो इस तरह आते हैं, इनके घर से सांप है तो वो इस तरह आते हैं, खाने के लिए कुछ दे दो मर रहा हूं। ये इंटरव्यू देने गया बैंक का, उन्होंने कहा जी 12000 रुपया हम आपको माना देंगे, महीने के बाद आपने 12% सूद के साथ हमें वापस करना है, बताएं आप कितने वापस करेंगे? कहता कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा आपको मैथ का नहीं पता? आगे से डीट बन गया, कहता आपको मेरा नहीं पता। चल बाकी बातें सारी छोड़, पुलिस आने वाली है, तू यूं कर घर का सारा सामान बिखेर दे। सामान बिखेर दूं? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, अपने बाल भी बिखेर देता हूं, ये ठीक है, उन्हें कहेंगे मेरी जुआ चोरी होगी।
और जुए चोरी हो गई, खुदा के बंदे पुलिस आने में बड़ी बड़ी चीजें लिखवानी, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। बड़ी बड़ी चीजें? हाँ। मैं कहूंगा हमारे जहाज चोरी हो गए। ओ जहाज नहीं, कोई छोटी चीज बता भाई। छोटी चीज? हाँ। मैं कहूंगा हमारी सुई चोरी होगी। और सुई बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, कुछ दरमियान सी चीज बता जानी। दरमियान की चीज? हाँ हाँ। मैं कहूंगा हमारे खुसरे चोरी हो गए। पुलिस आने वाली है, अभी कोई बात ऐसी नहीं करनी कि हम पकड़े जाएं, ठीक है ना? हाँ हाँ। मैं क्यों गलत बात करूंगा, मुझे पता है पुलिस बहुत मारती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप तो अंदर तब ही आ गए थे जब आप चप के दरवाजे में थे। साहब जी क्या बात करें, तमीज से बात करें, आपको नहीं पता कानून है? कानून से तमीज से बात कीजिए। थे आपको नजर नहीं आ रहा कानून पेट के साथ है? क्या बकवास कर रहे हो, ये बताओ भूखे को गखारी आई है? भूखे लगे साहब जी, आप तो बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप शायद आपको नहीं पता कि मैंने इस टाइम भी दो दो बनियाने पहनी हुई हैं। तो क्या हुआ, पुलिस के डंडे लगते हैं ना जब, तो नानी की नानी याद आ जाती है। लगाऊं लगाऊं? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग। मैंने तो 2007 के बाद बनियान पहनी नहीं है, 2001 में पहनी थी, 2006 में आके उतारी। आखिर में तो वो इतनी अकड़ गई थी ना, उतर ही नहीं रही थी, और फिर मैं वॉशरूम में गया, वो गीली हुई ढीली हुई, तब जाके मैंने उतारा उसे। तारिक साहब मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। जिस घर में एक बनियान 6-6 साल तक चलती हो, उस घर में से भला क्या चोरी हो सकता है? एक तो आप डोर बेल नहीं बजा के आए, ऊपर से आप आके हमारे पे रोब झाड़ रहे हैं। अरे बहन, डोर बेल नहीं लगी तो बजाएं क्या? क्या कहा, डोर बेल नहीं है? साहब जी सुना, डोर बेल नहीं है, आए हमारे घर डोर बेल उधार के ले गया। आपको कहा भी था, आपको कहा भी था कि बाहर मत लगवाओ, बेडरूम में लगवाओ, आपको ही ले गया ना। क्या बकवास कर रहे हो, बेडरूम में भी डोर बेल लगवाता है क्या? साहब जी आप इसको छोड़े, आप हमारी रिपोर्ट लिखे, हमारी बड़ी बड़ी चीजें चोरी हो। मैं नहीं लग सकता। क्यों? बड़े साहब आने से पहले मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। आपको शायद पता नहीं, बड़े साहब बड़े सख्त किस्म के आदमी हैं। तैयार रहो, बड़े साहब आ रहे हैं। वो अड्डा वड्डा टेड, ओ चाचा मोटर पर तेरी टैक्सी फुल हो गई है। ये आपके बड़े साहब हैं, ये आपके बड़े साहब हैं, लगता है पुलिस वालों ने अपना सैंपल भेज दिया। जबान संभाल के बात करें, ये हमारे बड़े साहब हैं। ये बड़े साहब हैं, 4-5 साल के बच्चे का टेडी बियर इनसे मोटा होता है। हेलो, तमीज से बात करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं? वाह क्या मूछ है साहब की, ये एक बात बताए, ये मुंह में मूछे निकली है, ये मूछ में से मुंह निकला है? हेलो, तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं कानून हूँ, कानून, और कानून से छेड़खानी की तो मैं तुम्हें उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर कर देंगे? लोग कानून हाथ में लेते हैं, मैंने गोद में ले लिया। निचोदार निचोदार निचोदार, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरे नाम से मुजरम थर 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 कांपते हैं, और मैं आज तक 50 इनकाउंटर कर चुका हूं। कितने? 50। 50 इनकाउंटर? जी जी। हेलो, एक मैं कर देता। तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो बार बार, मैं तुम्हें एक दफा कह चुका हूं, तुम सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सलमान। सलमान लिखो। जी सर। जी साहब जी लिखो। हो गया सर। मुसलमान नहीं, सलमान, मीम काट, मीम काट। हो गया सर, हो गया हो गया। हाँ अच्छा, तुम क्या बता रहे थे, क्या क्या चोरी हुई आप लोगों का? साहब जी हमारी चपातियां चोरी हो गई। साहब जी बड़ी 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 चपातियां, बड़ी बड़ी चपातियां चोरी हो गई। बड़ी बड़ी चपातियां? बड़े बड़े आलू चोरी हो गए। बड़े बड़े? बड़े बड़े बैंगन चोरी हो गए। साहब मेरा कमोड चोरी हो गया साहब, मैं रोया गिड़गिड़ाया साहब कि ना लेके जाओ मेरा कमोड, कि अभी तो मैं खा के बैठा हूं। एक
एक नहीं सुनी साहब, एक नहीं सुनी साहब, मेरा कमोड मुझे वापस ला के दो साहब। ऊपर से कहते हैं कि तुम्हारा कमोड इतना साफ है कि लगता है चार पांच दिन से तुमने कुछ नहीं खाया साहब, मेरा कमोड ला के दो साहब। कमोड भी तो चोरी करता है क्या? हाँ हाँ साहब जी, कमोड चोरी हो गया हमारा। कमोड जी साहब। साहब जी कमोड कैसे लिखते हैं? तुम्हें कमोड लिखना भी नहीं आता? कहाँ से पढ़े हो? चेप से। चेप से तो मैं भी पढ़ा हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? ए बी। ए बी क्या मतलब? ए बी बी ए होता है अल्लाह के बंदे। साहब जी ए बी होता है। वो कैसे? पहले ए होता है फिर बी होता है। कैसे ए? ए कैसे होता है पहले? ए बी सी डी बस। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि तुम चेप से पढ़े हो, ठीक है ना? मैं भी चेप से पढ़ा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कमोड कैसे लिखते हैं। देखो जी, कावा को मीवा मो डावा डो कमोडो। ओ वो कट जी साहब जी। हाँ कमोड हो गया। अच्छा सही बताओ तुम्हारा क्या चोरी हुआ है? साहब जी हमारे अरबी घोड़े चोरी हो गए। अरबी घोड़े? हाँ वो अरबी बोलते थे, उनको उर्दू बोलना नहीं आती थी, किल्लू किलो दो अरबी खा देते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, घोड़ा साहब कहाँ से आयो? तो वो मुझे अरबी में जवाब देते, अंता अहमदुन मस्कतुन दुबैया, बोला ताकतुन वाला घोड़ा, बोला खुराकुन वाला घोड़ा, अल खुराकुन ना खालिसुन, अल खासुन ना खालिसुन खुराकुन, अल खालिसुन खुराकुन अल दुबैया अल शारजा अल कोयता अल अरब इमारात अल जैतून वाला तेला, बोला सुखी मच्छिया, बोला छुआरा धन। एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अरबी कहाँ से सीखी? अरबी? साहब जी मैंने घोड़े को दौड़ना सिखाया, उसने मुझे अरबी सिखा दी। सारी बातें छोड़ो, बहुत बातें हो चुकी, अब इनको हम अपना असली रूप दिखाते हैं। डंडा पकड़। अबे भाई नहीं की, निकालो जो कुछ भी है। आपके लिए तलाक के लिए रजा, आपके मोहल्ले में जितनी भी चोरी हुई है वो हम लोगों ने की है, और अब हम पुलिस का बेस बदल के आए हैं। निकालो, निकाले चल, निकाल निकालो निकाल। मेरे को सुखी रोटी है दमा, निकाल चल, निकाल बाहर निकालो सारा कुछ। बस साहब जी रोटी सी दे देती। चलो अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि ये ना हो कि पुलिस आ जाए। अब एक बात सुन, जब तक हम चेप की बोंड से बहना निकल जाए, अपनी जगह से हिलना भी मत, वरना टपका दूंगा। साहब जी आपको कहा भी था लालच ना करो, हमारे पास जो सूखी रोटियां थी वो भी वो चोर ले गए। आपने कहा कि हम दूसरे तरीके से पैसा कमा लेंगे, लालच बुरी पड़ा है, बड़े सही कहते थे। मैं लुटी गई। साहब जी सीरियस हो, डकैती पै गई अपन। मैं लुटी गई।